हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी 10 प्लस 2 एग्जाम और एसएससी सीजीएल एग्जाम्स की, तो आप लोगों के लिए अनएकेडमी लेकर आया है बिल्कुल फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट। आप लोग ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन मॉक टेस्ट का क्या शेड्यूल रहने वाला है इसके बारे में बातचीत करते हैं। दिसंबर 7 से इसकी शुरुआत हो रही है और साथ ही हर महीने के मंडे से फ्राइडे आप लोगों का ये प्रीवियस ईयर का सेशन चलेगा। सुबह मॉर्निंग में 11 बजे आप लोगों का ये टेस्ट होने वाला है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स और क्या पैटर्न इसका रहने वाला है, ये बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है। तो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वहां से आप लोग इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी पर जा रहे हैं तो आप लोगों को ये मॉक टेस्ट देने के लिए ट्रिकी 10 कोड यूज करना है ताकि आप लोग इसको फ्रीली अटेम्प्ट कर पाए। ओके, 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे 40 मिनट में। आप लोगों का जो टेस्ट होगा उसमें 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मिनट के लिए। एनालिसिस भी होगा उस पेपर का जो आप एग्जाम देंगे उसका, फिर एजुकेटर्स के द्वारा पूरा डिटेल से एनालिसिस होगा। आपको समझाया जाएगा कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट करना था, क्या अप्रोच क्वेश्चंस में लगानी थी। एवरी मंडे टू फ्राइडे, पर मंथ के मंडे टू फ्राइडे आपका ये टेस्ट होने वाले हैं। और आपको पता भी, एसएससी एग्जाम्स के लिए जितनी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी आप लोग उतने ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस को स्पीडली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बातचीत करते हैं। यहाँ पर मंडे को आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट रहने वाला है, इंग्लिश का ट्यूसडे को, वेडनेसडे को रीजनिंग का पेपर होगा, थर्सडे एंड फ्राइडे को जीए एंड जीएस का पेपर होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सुबह 11 AM ये आपका टेस्ट का टाइमिंग रहेगा। और सबसे विशेष बात है, आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। और जिन्होंने आज पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड किया है वो टेस्ट देने के लिए ट्रिकी 10 कोड को यूज करना ताकि आप इसको फ्रीली अटेम्प्ट कर पाए। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, प्रयास कीजिए आप लोग। थोड़ा इधर कर देते हैं ना, उधर आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा अब। ठीक है, ठीक है, सुबह इससे पढ़ सकते हो आप कंटिन्यूअसली। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है एक समूह में आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 की शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो पेपर है उसका, ये क्वेश्चन है, एक समूह में 8 बच्चे हैं, एक दर्जन पेंसिल, कितना, एक दर्जन, तो एक दर्जन पेंसिल वितरित होने वाली, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिले, समान, एक समान पेंसिल मिलने चाहिए। तो यहां पर वितरित किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी, वितरित किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या करना आप लोगों को। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यहां पर हमारे पास 8 बच्चे हैं और बोला है एक पैकेट है जिसमें एक दर्जन पेंसिल है, तो एक दर्जन में कितना होता है, 12। तो सबसे पहले काम 8 और 12 का एक कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे ये दोनों एक समान चीजों को वितरित कर सके। तो सबसे पहले श्रीमान आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, और जैसे ही एलसीएम लोगे तो आप बताओ कितना बड़ा हमारे पास चॉइस। एक और काम भी कर सकते हो, एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 के 4 पैकेट लाना। ऑप्शन से फिर मैं लास्ट में सिखाऊंगा, पहले डायरेक्ट सुनो। इन दोनों का एलसीएम क्या बना, चॉइस। और एक देखो हमें कुल कितनी पेंसिल लानी पड़ेगी चॉइस, ताकि यहां से भी विभाजित हो सके और पैकेट भी ला सके। तो यहां से चॉइस बटा 12 करोगे तो हमें कितने पैकेट की आवश्यकता होगी, 2 की होगी। कितने पैकेट की आवश्यकता होगी, 2 की। अब एक और बात सुनना, अगर हम ऑप्शन अप्रोच लगाते हैं तब कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो क्लियर हो चुका है। 8 बच्चे थे, 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, एक दर्जन पेंसिल है ना 12, इनको समान रूप से वितरित करना। तो इन दोनों के लिए लोवेस्ट नंबर लाए, न्यूनतम संख्या, तो यहां से हम लोग चॉइस लाए, और चॉइस को 12 के पैकेट है तो पैकेट कितने चाहिए, पैकेट न्यूनतम 2 होंगे। एक और बात सुनो, अगर ये हम ऑप्शन से करते तो कैसे होता, देखो यहां 12 पेंसिल, यहां 12 पेंसिल, यहां 12 पेंसिल, यहां 12 पेंसिल, बताओ क्यों। अरे भैया एक पैकेट में एक दर्जन है और ये पैकेटों की संख्या है, तो यहां देखो कितना हुआ, 48, यहां देखो 36, यहां देखो 24 और यहां देखो 12। यहां 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यहां नहीं जाता, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा 8 से, ये पूरा पूरा विभाजित होता है, यह 8 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, ऑप्शन ये दोनों बचे। अब मुझे आप बताओ तो न्यूनतम में आप कौन सा उत्तर करोगे, ओके, न्यूनतम में कौन सा उत्तर करोगे, 48 करोगे या 24 करोगे। तो हमें चॉइस करना पड़ेगा,
24 को अगर हम 8 के हिसाब से बेचे तो यहां से वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, आप लोग भी साथ साथ में आंसर देते रहोगे। ये भैया आज के सेशन का बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है, प्रयास करो, समय दिया जा रहा आप लोगों को भी। अरे थोड़ा इसको इधर करना भूल जाता है, इसको जूम आउट ही कर देते हैं अभी। देखो चलिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5, 8 बचता है, तो एक्स का 150% क्या होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, तो आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 की शिफ्ट 1 का ये सॉल्यूशन है, जल्दी से बताइए। एक बार आप लोग प्रयास करो, नहीं तो मैं समझाता हूं, इतना पढ़ा देंगे इस टॉपिक से, फिर वापस आप लोगों को अगर एक बार एग्जाम से पहले इसको रिवीजन करके चले गए ना भाई, अगर जैसे मान लो 2 से 3 घंटे की क्लास होती है ना, तो आपके पास स्पीड का ऑप्शन होता है यूट्यूब पर, थोड़ा स्पीड से आप लोग इसको रिविजन करके जरूर जाना, ठीक है, या फिर जो डाउटफुल क्वेश्चन है ना उनको पढ़ के चले जाना, और मैं प्रयास करूंगा इसकी सीट आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स पर अवेलेबल करा पाए। ओके चलिए, आज का सेशन बहुत, मैंने बोला मैथ्स वाला तगड़ा रहा ना, तो आप लोगों के लिए रीजनिंग का सेशन मॉर्निंग में ऐसे ही लेकर आएंगे। ओके चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर 2, 3, 4, 5, 8 शेष बचता है, किससे विभाजित करने पर, 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर 2, 3, 4, 5, 8 बचता है, तो आप बताइए x का 150% क्या होगा, x वह छोटी से छोटी। तो सबसे पहले आपने नोटिस किया, 6 से भाग दें 2 शेष बचे तो गैप 4 का, 7 से 3 में भी गैप 4 का, यहां से यहां में भी गैप 4 का, यहां से यहां में भी गैप 4 का, यहां से यहां में भी गैप 4 का। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई क्या, इन सब के बीच जो डिफरेंस आपने नोटिस किया वो 4-4 यूनिट का। अब हम क्या करेंगे, 6, 7, 8, 9, 12 वो छोटी से छोटी संख्या जो इन से विभाजित हो, जब भी बोले ना इन से विभाजित हो, तो भैया इसका मतलब आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर जैसे आप इनका एलसीएम लोगे, किसका, 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम, मैं यहां लेके बता देता हूं, 6, 7, 8, 9, 12 एलसीएम ऐसे लेते हैं भैया, सबसे पहले 2 का भाग, 3, 7, 4, 9, 6 फिर 2 से डिवाइड, 3, 7, 2, 9, 3 फिर 2 से डिवाइड, 3, 7, 1, 9, 3 फिर 3 से डिवाइड, 1, 7, 1, 3, 1 और फिर 3 से और लास्ट में 7 से, 7 या 21, 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24, 21 और 24, 21 × 4 84 में 8, 21 × 42 और 8, 50, 504। तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 504। कितना बढ़ा, 504। लेकिन हमें क्या करना है, प्रत्येक दशा में जब आपने नोटिस किया तो इनके बीच गैप 4-4 का है, देखो जब प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचाना हो तो वो तो जोड़ा जाता है, और यहां देखो अलग अलग दशाओं में अलग अलग शेषफल बचाना हो तो यहां पर, यहां भी 4-4-4 का गैप है तो ये 4 आपको घटाना पड़ेगा, जब अलग अलग कंडीशन दी है तब, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 500। लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं जाना था, इस 500 का 150% लाना था। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इतनी देर में तो ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके तो क्या करना है, इस 500 का 150% लाना है, तो 500 × 150/100, कोई भी नंबर का परसेंट लाना होता है, बट्टे में 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 150 × 5 करोगे रिजल्ट आएगा 750। और आप बताओ 750 हमारे कौन से ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्या आज 2K का आंकड़ा पहुंच सकता है, शेयर कर दो भी एक बार। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 750 में रिपीट करता हूं वापस, सुनो, 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर 2, 3, 4, 5, 8 बचे, तो जब हमने नोटिस किया इनके बीच गैप इक्वल है, तो हमने इन सब से इन सब का क्या लिया, एलसीएम, और आप बताओ इनका एलसीएम क्या बना, 504। और जब अलग अलग शेषफल के तहत गैप देखा गया तो गैप कितने का पड़ा, 4 का, तो 504 में से 4 गए तो आंसर आया 500। तो आप बताइए 500 का 150%, क्योंकि लास्ट में हमें पता करना था, तो रिजल्ट आ जाएगा 750, और 750 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम आउट ये कर देते हैं ताकि आपको
दिखाई दे जाए आराम से ना। चलिए अब ठीक है। ओके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भैया देखो, ये आप बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर कितना बनने वाला है। क्वेश्चन हमारे पास है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 18, 27 से विभाजित करने पर 10, 13, 16 और 25 बचता हो। जल्दी से बताइए वो कौन सी संख्या होगी जिसे इन सब से विभाजित करें तो ये शेषफल बचना चाहिए। कोशिश करिए एक बार। जल्दी से लिखिए। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया 538। तो सबसे पहले देखिएगा वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18, 27 से, देखो 12, 15, 18 और 27 से विभाजित करने पर 10, 13, 16 और 25 शेष बचे। तो यहां से देखिए 12 से 10 दो का गैप, 15 से 13 दो का गैप, 18 से 16 दो का गैप, 27 से 25 दो का गैप। तो कंफर्मली हमें इनका एलसीएम लेके ये दो माइनस करेंगे। तो जल्दी से बताओ 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम क्या बनने वाला है। जल्दी से जल्दी बताइए 12, 15, 28, 18 और 27। यहां देखो 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम लोगे तो सबसे पहले देखिए किसका भाग चला जाएगा। आप चाहो तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो 60, इन दोनों का कंपेयर कर सकते हो 180 और फिर इन दोनों का कंपेयर कर सकते हो 540। ओके तो 540 बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 540। एलसीएम आप ले लोगे, सबसे पहली प्रक्रिया मैंने वही सिखाई थी आज के सेशन में। लेकिन प्रत्येक दशा में आपने चेक किया कि यहां दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का, दो का, तो ये दो माइनस करने पड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 538। और आप ही बताओ 538 कौन सा नंबर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक काम और भी कर सकते हो आप, बोलिए इससे डिवाइड करके देखना, इसका जब भाग दोगे तो 10 बचेगा, इसका जब भाग दोगे तो यहाँ 13 बचेगा, 18 से भाग दोगे तो यहाँ 16 बचेगा, 27 से भाग दोगे तो यहाँ 25 बचेगा। आप इस कंडीशन को डेफिनेटली अप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। ओके चलिए लिख लीजिए एक बार इसको। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये अलग शेषफल के रिलेटेड है, इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस चीज का ध्यान रखना था। जल्दी से बताइए कितना होगा। चलिए तो सबसे पहले देखिएगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11, 16, 21, 25, इसको थोड़ा ऊपर लिखना है बस और कुछ नहीं ताकि गैप खाली रहे। यहां पर देखिए 11, 16, 21, 25, 28 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में तीन शेष बचता हो। 11, 16, 21, 25 और 28 से विभाजित किया जाता है तो सबसे पहले बताओ इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और जैसे आप इनका एलसीएम लोगे, जल्दी से बताइए इसका एलसीएम कितना बना। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा मेरे हिसाब से 92,400। और 92,400 में यहां बोला देखो प्रत्येक मामले में तीन शेष बचना चाहिए। प्रत्येक मामले में कितना शेष बचना चाहिए, तीन, तो हमें तीन यहां पर जोड़ना है तो वैल्यू हो जाएगी 92,403। लिख लीजिए। और आपको भी पता है जब इनका एलसीएम लोगे 56, 30 यहां पर दिखाई दे रहा जीरो, तो आपको बढ़ना ही बढ़ना है और फिर आप उसमें तीन जोड़ने वाले, थोड़ा इससे भी अप्रोच का फर्क पड़ने वाला है। क्लियर इट। चलिए लिखिए बढ़िया से इसको एक बार।
हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।